नमस्कारम्। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधाश्च पृथग्चेष्टा दैवञ्चैवात्र पञ्चमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। शरीर वांग मनो भिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांच कारण है। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेप यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बंधता है। ज्ञानंगेयं परिज्ञाता विविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथा वशृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदावृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन से अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वो सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदावृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकारयुक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है।